हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज इस साइंस स्पेसिफिक वीडियो में हम आपके लिए 10 बहुत ही चयनित और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछे जाते हैं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या के बढ़ाने को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, अनेमिया, ल्यूकेमिया या फिर पॉलीसाइथेमिया? वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं और सही आंसर है पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? द्रव्यमान, रेखीय संवेग, ऊष्मा या फिर कोणीय संवेग? और इसका सही आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन काम करता है। निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा, अवरक्त, रेडियो या फिर सूक्ष्म तरंगे? और इसका सही आंसर है गामा तरंगे या फिर गामा तरंगों को गामा किरण भी कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम निम्न से किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प देखिए फ्रेंड्स, डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर्स, जे जे थॉम्सन। और सही आंसर है नील बोर। निम्न में से किस धातु का यशद लेपन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, लोहा या फिर चांदी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये, जंग लगने से बचाया जाता है धातुओं को इस प्रक्रिया द्वारा, यशद लेपन प्रक्रिया द्वारा। और सही उत्तर है जस्ता, जिसे जिंक भी कहते हैं। लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है कौन सा है निम्न में से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट या फिर सीडेराइट? 72% लोहा और आंसर है मैग्नेटाइट। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? विकल्प देखिए फ्रेंड्स, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या फिर सोडा ऐश? ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी रिपीट किए ही जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि। और इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा, मैच करिए, उत्तर है बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से गुरुत्व के नहीं होने पर क्या नहीं होगा? दबाव, क्षयंता, पृष्ठ तनाव या उपरिगामी बल? और इसका सही आंसर है उपरिगामी बल। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? विकल्प देखिए फ्रेंड्स, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु? और इसका सही आंसर है जीवाणु, बैक्टीरिया। मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप को नियंत्रित करता है निम्न में से कौन सा है? विकल्प देखिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, नसें या फिर मेरुरज्जा? और इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, भूख, जल संतुलन तथा हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए दिए हुए स्क्रीन पे आए हुए लिंक्स पे क्लिक करें और आई पे भी क्लिक कर सकते ताकि आपको हमारे अन्य वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।